हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है और दिवाली बिना मिठाइयों के तो हो ही नहीं सकती है। तो आज जो मैं आपके सामने मिठाई लेके आई हूँ वो हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने एक कप भरकर मैंने चीनी ले ली है। आप एक का ही एक कप का या किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सामान लेते हुए जाना है। और इसके बाद हम 5 काजू ले लेंगे और हम 5 इलायची ले लेंगे। तो आप यहाँ पर इलायची के जगह इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आधी चम्मच। तो अब हम इनका सबका फाइन पाउडर बना लेंगे मिक्सी में घुमा के। इसके बाद मैं इसको छलनी से छान लूँगी ताकि जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो छलनी के ऊपर रह जाएं, और मैं अच्छी तरीके से छान लूँगी इसको। तो यहाँ मैं बिल्कुल अच्छे से छान रही हूँ। उसके बाद हम ये जो पार्टिकल्स बचे हैं उन्हें वापस मिक्सी में डाल के हम आगे जो सामान लेंगे उसके साथ घुमा देंगे। तो यहाँ मैंने वापस पार्टिकल मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। और इसके बाद हम उसी कप का मेज़रमेंट लेकर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले लेंगे। और इसके बाद हम उसी कप से हम मिल्क पाउडर ले लेंगे और उसको भी हम जार में मिक्सी में घुमा लेंगे, पीस लेंगे। इसको भी हम छलनी में छान लेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो ना रहें। छानने के बाद जो मोटा पार्ट बचेगा उसको अब हम अलग रख देंगे, उसको दोबारा मिक्सी में नहीं पीसेंगे। तो यहाँ जो है हमारा मिठाई का जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम रूम टेम्परेचर पे दूध लेंगे और इसमें 4 चम्मच के करीब हम दूध डालेंगे और एक आटा फॉर्म में, सॉफ्ट आटा फॉर्म में डो बना लेंगे हम इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए। तो यहाँ जो है मुझे आटा अभी सूखा सूखा लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच दूध और डाल दूँगी इसमें और अच्छी तरीके से मिलाते हुए आटा गूंदेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा आटा है बिल्कुल मिठाई का वो बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको मसल के अच्छे आटा फॉर्म में, आटे के डो फॉर्म में ला दिया है। अब हम इसको गोल गोल घुमाते हुए लंबी शेप कर लेंगे इसकी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे हम इसे गोल गोल घुमा लेंगे और इसे एक चाकू की सहायता से हम बराबर बराबर मेज़रमेंट लेते हुए काट लेंगे ताकि जो हमारी जो मिठाई है वो मोटी पतली ना रहे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और उसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसके ऊपर हम बटर पेपर के ऊपर घी लगा देंगे ताकि जो हमारे रोल हैं मिठाई के रोल वो चिपके ना। अच्छी तरीके से हम घी लगा लेंगे और अब हम एक पेड़ा उठाकर, जो हमने काटा था पेड़ा उठा के, उसे एक प्लेट की सहायता से या आप हाथ की सहायता से आप गोल घुमा सकते हैं तो आप ऐसे शेप बना लीजिए। तो मैं यहाँ प्लेट में घी लगा के गोल गोल घुमाते हुए एक लंबे शेप बना रही हूँ, रोल बना रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे जो हमारे पेड़े हैं उनके सबके इसी तरीके से रोल बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे जो मिठाई रोल है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे पहले मैं जो रोल है इनको साइड में से, एक साइड में ज़्यादा लंबे लग रहे थे तो मैं इनको साइड में से कट करके निकाल दूँगी, एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दूँगी और इन्हें मैं 15 मिनट के लिए फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ देखिए जो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो रोल हैं वो भी बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम सावधानी से चांदी का वर्क लगा देंगे और मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है वर्क लगाना, क्योंकि इसी से मिठाई जो होती है बहुत अच्छी लगती है दिखने में। तो आप ये जो चांदी का वर्क है बड़ी सावधानी से लगाएं क्योंकि ये बहुत उड़ता बहुत है, चिपकता बहुत है हाथों पर। तो यहाँ मैं बड़ी सावधानी से लगा रही थी, इसके बाद भी फिर भी मेरा थोड़ा सा हाथों पर लग गया था, अंगूठे पर लग गया था। तो आप बड़ी सावधानी से लगाइए। तो ये देखिए हमारी मिठाई जो थी बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, बिल्कुल बाज़ार मार्केट वाली लग रही है। और अब हम इनको बीच में से कट कर लेंगे
ताकि ये जो रोल हैं ये और भी दिखने में अच्छे लगे, और मैं इनको छोटा कर लूँगी। बीच में से मैंने पार्ट कर लिया था इनका काट के। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, तो मैं यहाँ आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि दिखने में कैसी लग रही है सर्व करने के बाद। ये देखिए, तो यहाँ मैं आपको प्लेट में भी दिखा रही हूँ, तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये कम से कम 700 से 800 रुपये किलो की मिठाई होगी मार्केट। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो सच मानिए, मिठाई जितनी दिखने में अच्छी लग रही उतनी ही खाने में अच्छी थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।